हाय हेलो नमस्कार, गौतम इस रेसिपी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, डिलीशियस रेसिपी, सबके मुंह में पानी आ रहा है ना दोस्तों। आज जो रेसिपी लेके आई हो जो कि फिश फ्राई जो है, मैंने यहाँ पर बांगड़ा फ़िश फ्राई करके आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ। बहुत ईजी और टाइम सेविंग रेसिपी है। जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच बेसन लिया है मैंने, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सूजी यानी कि रवा, और अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर बिजी हो तो ये फटाफट आप रेसिपी बनाकर आप ये जो है सर्व कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, लगभग आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। फटाफट देखिएगा दोस्तों। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है इसका जो फिश रहता है ना, उसकी गर्दन जो है कट करके ले ली है, क्योंकि उसके जो बीच में गंदा भी रहता है तो वो निकाल के देते हैं फिश वाले। और बाद में देखिए इस तरीके से हमने जो भी ये मिक्सचर बनाया था वो इसमें लगा लेना है अच्छे तरीके से। ईजी, साधारण और टेस्टी रेसिपी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। इस तरीके से हमें सारा जो है फिश को ये कोटिंग करते हुए करना है। और अब मैंने क्या किया है, फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल गर्म होने के बाद एक एक करके हमें जो है फिश इसमें डिप करनी है और अच्छे तरीके से डीप फ्राई करनी है। दोनों साइड से 3-3 मिनट का समय लगने वाला है। लगभग हमें 6 से 7 मिनट ये फिश जो है अच्छी तरीके से पकानी है। डीप फ्राई करने के कारण इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो फिश है अच्छी तरीके से कुक हो जाती है। अगर हम तवे पे थोड़ा सा फ्राई करते हैं शैलो फ्राई, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। डीप फ्राई करेंगे तो ये तुरंत फटाफट होने लगता है। और मेन मतलब क्रिस्पी बनाने के लिए मेन यहाँ पर जो लिया है मैंने वो सूजी लिया है। सूजी अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लोगे तो वो ज़्यादा फिश कड़क हो जाएगी। हमें 2 चम्मच ही लेना है। इस तरीके से मैंने एक एक करके फिश सारी जो है फ्राई कर ली है। अब ये रेसिपी देखने के बाद आप भी ये इस तरीके से जो है फिश फ्राई करोगे। आज की जो डिलीशियस रेसिपी आपने देखी है, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिए। आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने इतनी ही रेसिपी लेके आई थी। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और टेस्टी और मज़ेदार आपकी पसंदीदा रेसिपी लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।